हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे चीज़ी। सो बहुत टाइम के बाद आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। दिवाली पे भी मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं एडमिट थी कुछ घंटों के लिए अस्पताल में, तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी। इवन मेरा दिवाली भी ठीक से नहीं बीता इस बार, पर कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ अपनी दोबारा से एनर्जी में। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अब आने वाला है छठ। वैसे तो छठ होती नहीं है हमारे यहाँ, हमने कभी भी छठ नहीं देखी कि छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो वो अपना अपना त्यौहार मनाते रहते हैं। तो क्योंकि अब छठ पूजा है तो हमारे सोसाइटी में छठ पूजा भी सेलिब्रेट हो रही है, काफ़ी साज सजावट हो रही है बाहर, ऐसा सुनने में आया मुझे। तो अभी हम लोग जाते हैं बाहर और थोड़ा देखते हैं क्या चल रहा है और आपको भी दिखाती हूँ मैं जी। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे राधा कृष्ण पार्क पे, वहाँ पे भी काफ़ी साज सजावट हो रखी है, आपको दिखाती हूँ वहाँ क्या काम चल रहा है। ये देख लो, ये 3 दिन यहाँ पे प्रोग्राम होने हैं। अभी मैं आपको पार्क दिखाती हूँ, अभी बस साज सजावट हो ही रही है, शाम तक यहाँ पे काफ़ी रौनक हो जाएगी। आगे साइड में उधर बैठने का अरेंजमेंट है एंड यहाँ बच्चों के लिए भी झूले वूले सब कुछ लग रहे हैं। आगे के साइड में आई गेस स्टेज बना है, हाँ आगे के साइड में स्टेज बना है एंड वहाँ पे सिंगर वगैरह आएंगे, अपना गाना वाना परफॉर्मेंस जो भी होगी सब कुछ उधर होगी। एंड यहाँ पे मे भी कुछ सामान वामान बिकेगा या खाने पीने का सामान लगेगा, जो भी लगेगा शाम को समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। चलो फिर, ये देखो जी यहीं इस पार्क में होनी है छठ पूजा, ये गेट इसका इस तरीके से रेडी किया गया है। इस पार्क का नाम ही है लेक व्यू पार्क। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रखा है इस टाइम पार्क का क्योंकि छठ पूजा यहीं पे होनी है और 3 दिन का प्रोग्राम है जो कि आज से शुरू है 19 तारीख तक। और ये है पार्क जहाँ पे छठ पूजा होनी है और यहाँ पे आंटी मिट्टी से देवी जी बना रही है, कोई रीति रिवाज होती होगी। और ये पूरा पार्क है जो कि बीच में ऐसा तालाब है एंड इसके बगल, इसी के पास मतलब खड़े होके सब लोग पूजा करेंगे। यहाँ पे इंडिया टीवी भी आई हुई है जो इस प्लेस को कवर कर रही है। और ये है पूरा तालाब, यहाँ पे इसको कुछ कुछ पोर्शन पे इस तरीके से घाटों का नाम दिया हुआ है। ये सरयू घाट है, पीछे गंगा घाट था। और अभी जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये सेक्शन वाइज तो ये क्या कर रहे हैं, सेक्शन में बांटा जा रहा है ताकि लोग यहाँ पे खड़े होके पूजा कर सकें। भीड़ काफ़ी हो जाती है यहाँ पे, ये हमारी सोसाइटी का एक लौता ऐसा पार्क है जहाँ पे तालाब है, तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी हो जाती है। ये देखो आप इधर सारी, ये देखो आप लाइटें वाइटें लगी हुई है और यहाँ तालाब में और भी पानी भरा जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल हमारा तालाब है, तो इसमें पानी वानी भर करके इसको छठ पूजा के लिए तैयार किया जा रहा है अच्छे से। और रात के टाइम काफ़ी अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, अगर हमें मौका मिला तो हम रात में ज़रूर आएंगे दिखाने आपको, क्योंकि ऑफिस वगैरह भी रहता है। देखते हैं, छुट्टी का भी टाइम है सैटरडे संडे, देखते हैं अगर चांस मिला तो हम आपको दिखाएंगे। ये है पूरा पार्क और हमारे पास ड्रोन तो नहीं है पर हमने एक फ्लैट पे चढ़ के ऊपर का ये व्यू लिया है जो कि इस तरह से दिख रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, आज शाम को भी कुछ कुछ प्रोग्राम है, कुछ सिंगर्स आ रहे हैं तो अभी हम शाम को निकलेंगे। आज हमारा ऑफिस है वैसे फ्राइडे है, तो हम शाम को निकलेंगे, देखेंगे अगर कुछ हम कवर कर पाए तो हम कवर करेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ छठ पूजा होती नहीं है पर हम फिर भी आए हैं। हाँ भाई, तो अभी यहाँ पे सब मिलजुल के एक ही सोसाइटी है तो यहाँ पे सारे ही फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, शाम में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होता है।
ये देखो गाइज यहाँ पे पूरी रोड पे भी लाइटिंग वाइटिंग लग रही है। देखो पूरा गेट वेट बन रहा है यहाँ पे पूरी रोड पे। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा लाइटिंग लगी हुई है, रात में काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये। ये देख लो जी रोड पे पूरा सज चुका है लाइट वाइट, रात में ये सब चलेंगी तब मज़ा आएगा। ओके जी, तो अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 और इस टाइम देखो आप ज़रा लाइटिंग वाइटिंग देखो बिल्डिंगों पे, सड़कों पे। चलो मैं वैसे भी पार्क की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो दिखाती हूँ आपको आगे। हम आ गए हैं अपने पार्क में और ये देखो कितनी मस्त मस्त दुकानें लगी हुई है यहाँ पे। इस साइड में पूरा खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी कालीन बिक रही है। आओ अंदर चलते हैं, अंदर और भी शॉप्स हैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, देख सकते हो आप नागपाल्स के छोले और कुलचे लगे हुए थे, चाट वगैरह लगी हुई हैं और आगे के साइड पे पर्स कपड़े ज्वेलरी ये सारी चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं। और बच्चों के लिए झूले यहाँ पे, इस बार मैंने पहली बार इस पार्क में तरह तरह के झूले देखे। और यहाँ पे हमारे बर्फ के गोले वगैरह, बच्चों के खिलौने, कुछ कुछ गेम्स लगे हुए थे, ये बंदूक वाला गेम यहाँ पे लगा हुआ था। तो इस तरीके के काफ़ी सारी ऐसे एक्टिविटीज़ हो रखी थी। मुझे भी करना है यार, हमारे टाइम पे क्यों नहीं है। तो जी काफी लंबा चक्कर लगा करके हम लोग आ चुके हैं अब खाने के स्टॉल पे। और मैं यहाँ पे खड़े होके देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं खाने के लिए। तो काफ़ी वैरायटीज़ में सामान थे यहाँ पे, लाइव किचन भी चल रहे थे यहाँ पे, पाव भाजी चाट टिक्की ये सारी चीज़ें बन रही थी। और पिज्ज़ा वगैरह इस तरीके से लगा के रखा हुआ था इन्होंने, पास्ता ये लोग लाइव ऐसा बना रहे थे। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम था, टोकन लेकर के आप कुछ भी जो भी आपको खाना है वो चीज़ें ले सकते थे। और हम लोगों ने ऑर्डर किया था पाव भाजी, तो यहाँ पे अंकल जी मस्त पाव रगड़ रगड़ के सेक रहे हैं। इसका कॉस्ट था 100 रुपये और ठीक ठीक टेस्ट था, सही था। और सारे लोग यहाँ पे पार्क में इस तरीके से फैल करके बैठ करके मस्त अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने और जयेश ने भी पाव भाजी खाई और टिक्की और चाट वगैरह खाया। मिल जाई अन धन मिली सुख पूरा, मिल जाई अन धन मिली सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं अभी ये लेक व्यू पार्क पे और इस टाइम लाइट वाइट जल चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम, बहुत प्यारा लग रहा है। रुको, तो ये था आज का हमारा दिन। सो कुछ इस तरीके से हमारी सोसाइटी में छठ पूजा की तैयारियां चल रही है और ये पूरे 3 दिन तक प्रोग्राम रहेगा। तीनों दिन कोई अलग अलग सिंगर्स आएंगे और परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद शायद 19 को छठ पूजा है तो 19 को सब लोग
भोर में 4 बजे उठ करके उस तालाब के पास जा करके पूजा वूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो छठ पूजा होती नहीं है, तो शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ। अगर दिखा पाऊँगी तो मैं ज़रूर ब्लॉग करूँगी उस दिन का। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड गिव मी योर ऑल लव। बाय बाय।